Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. कभी कभी लगता है जैसे हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं, और जब झटका लगता है तो पता चलता है कि नींद तो कभी लगी ही नहीं थी, और वो जो बुरा सपना था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ऐसा ही कुछ इस वक्त मीरा के साथ हो रहा था। वो जिस घर में अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, वो इस वक्त उसी घर के एक ऐसे हिस्से में थी जहां मौत से ही खामोशी बरपी हुई थी। इस वक्त वो उस बिस्तर और बाकी चीजों को देखकर ये समझ गई थी कि रणवीर इतने दिनों से उनके बिल्कुल करीब इस बेसमेंट में छुपा रहता था। मीरा की आंखों में इस तरह का खौफ पहले कभी नहीं आया था। वो बस खामोशी से उस जगह को देख ही रही थी। आखिर किसी आदमी को अपने घर से इतना लगाव कैसे हो सकता था, इतना लगाव जो कि उस जुनून को पागलपन में बदल दे। उस स्या बेसमेंट में चलते हुए मीरा के कदम थरथरा रहे थे, और वहीं पीछे रणवीर दरवाजे को बुरी तरह से पीट रहा था। दरवाजा खोलो, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था मीरा, नहीं जाना चाहिए था, अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। ये सुनकर मीरा डर गई, मगर तभी उसने आगे कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर अब तक दबी हुई उसकी चीख पूरे जोर के साथ निकली, क्योंकि जो चीज उसने देखी थी वो थी सूरज की लाश, जो रणवीर ने यहां छिपा रखी थी। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे रणवीर ने सूरज के उस बेजान शरीर को किसी जिंदा इंसान जैसे रखा था। उसे एक लकड़ी के फ्रेम पर इस तरह से बांधकर दीवार से टिकाया था जैसे वो जीता जागता सामने खड़ा हो। उसे देखकर तो जैसे मीरा पागल ही हो गई। उसके कदम अब वहां एक पल भी नहीं रुक सकते थे, वो आगे बढ़ने वाली ही थी कि तभी एक जोर की आवाज हुई। उसने पीछे पलट कर देखा तो दरवाजा टूट चुका था और रणवीर उसके पीछे हाथ में एक बंदूक लिए खड़ा था। मीरा का शरीर तो जैसे वहीं पत्थर हो गया। रणवीर ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें मारना नहीं चाहता था मीरा, पर तुमने खुद अपनी मौत बुलाई है। पर तुम्हें मारने से पहले ये बताना जरूरी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये कहते हुए रणवीर के चेहरे पर एक पागलपन की मुस्कान थी। उसे देखकर मीरा ने ना आव देखा ना ताव, और पूरे जोर के साथ दूसरी दिशा में भागने लगी। मगर रणवीर तब भी धीमे कदमों से बढ़ते हुए उसका पीछा कर रहा था, जैसे शिकार को घायल करने के बाद शेर की चाल में एक आराम होता है। वैसा ही आराम रणवीर की चाल में भी था। उसने हंसते हुए कहा, भागो, कहाँ भागोगी, ये घर नहीं मेरा मन है, उलझा हुआ अंधेरे से भरा ही सही लेकिन मेरा मन है। मीरा के कानों में बस रणवीर की हंसी गूंज रही थी, और उस अंधेरे में रास्ता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर में भागते हुए वो उस बेसमेंट के दूसरे छोर पर पहुंच गई जहां एक और दरवाजा था। उसे देखकर मीरा की जान में जान तो आई, मगर रणवीर के कदमों की आहट भी अब कुछ ज्यादा दूर नहीं थी उससे। मीरा ने देखा तो उस दरवाजे को एक लोहे के तार से बांधा गया था। मीरा बस पागलों की तरह उस तार को खोलने में लग गई। वहीं पीछे से रणवीर कुछ ही दूर था। मीरा के हाथ उन तारों की वजह से खून से लथपथ हो गए थे, मगर वो दर्द जान बचाने की उम्मीद से कई कम था। आखिरकार मीरा ने देखा कि वो तार खुल चुका था।
मीरा ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। इस वक्त तक रणवीर ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। मीरा ने बाहर आके देखा तो समझ आया कि जहां वो पहुंची थी वो इस बंगले का ही पिछला हिस्सा था, मगर यहां से कहीं भागा नहीं जा सकता था। इतनी ऊंची दीवारों को फांदना मीरा के लिए नामुमकिन था। उसने बस एक पल सोचा और घर के मेन गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। मीरा बस कुछ ही कदम दूर थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। दर्द के मारे मीरा की एक चीख निकल गई, मगर अफसोस उस सुनसान इलाके में कोई चीख सुनने वाला भी नहीं था। मीरा ने पलटकर रणवीर का गुस्से और हवस से भरा चेहरा देखा। वो बस मिन्नतें कर रही थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम ये घर रख सकते हो। इतना सुनकर रणवीर मीरा को बालों के सहारे ही घसीटने लगा। बंगले की तरफ उसे वापस ले जाते हुए रणवीर कहीं जा रहा था। चली जाओगी मतलब? अरे इस घर के बाद मुझे जो तोहफा मिला है वो तुम ही तो हो, तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं मैं। लेकिन जाएगा तो तुम्हारा पति, अगर मेरे रास्ते में आया तो काम से जाएगा। इतना बोलकर रणवीर ने दरवाजा खोला और मीरा को घसीटते हुए कमरे में ले आया। अब मीरा की चीख नहीं बस खौफ में लिपटी हुई खामोश सांसें सुनाई दे रही थी। वो वहशी उसके सामने ही खड़ा था, जिसके चेहरे पर खुन्नस और हवस के मिले जुले भाव थे। वो धीमे कदमों से अब मीरा की तरफ बढ़ने लगा था। मीरा अब बस अपने बचने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। उसने बस अपने हाथ पांव को करीब लाकर खुद को एक कमजोर पिंजरा बना लिया और आंखें बंद किए वहीं बैठ गई। हौसले के टूटने के बाद सबसे पहले खामोशी छा जाती है, और मीरा के साथ भी वही हो रहा था। रणवीर अब मीरा के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था कि तभी एक गाड़ी की आवाज ने मीरा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ये कार और किसी की नहीं बल्कि कबीर की थी। उस आवाज ने रणवीर के चेहरे पर हैरानी की चादर बिछा दी। मीरा ने आसपास देखा और चीखते हुए आवाज लगाई, कबीर कबीर मैं यहां हूं। वो आगे कुछ बोल पाती उसके पहले ही रणवीर ने मीरा का मुंह अपनी हथेली से बंद कर लिया और उसे कमरे से घसीटते हुए घर की ऊपरी मंजिल पर ले आया। वहीं मीरा की आवाज सुनकर कबीर के अंदर एक अजीब सी सिरन दौड़ गई थी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने गार्डन में यहां वहां देखा और उसकी नजर पास पड़े एक कुदाल पर पड़ी। उसने तुरंत वो कुदाल उठाया और दरवाजे के शीशे पर दे मारा। एक दो बार वार करने के बाद कबीर ने दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गया। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मौत ने अपना आलम पहले ही बिछा रखा हो। कबीर उस कुदाल को पूरे जोर के साथ थामे हुए आगे बढ़े जा रहा था, मगर वहां ना तो मीरा थी और ना ही रणवीर का कोई नामो निशान था। कबीर ने एक जोर की आवाज लगाई, मीरा मीरा कहाँ हो तुम? मगर मीरा तो ऊपर के कमरे में दीवार से सटी हुई खड़ी थी। उसके हाथ बंधे थे और मुंह पर रणवीर की हथेली थी, मगर एक और चीज थी जिसकी वजह से मीरा सांसें भी बड़े ही धीमे से ले रही थी, और वो थी रणवीर की पिस्तौल, जिसकी ठंडी नली मीरा की कंडपट्टी को छू रही थी। रणवीर ने मीरा के कानों में बिल्कुल करीब आकर एक धीमी सी आवाज में कहा, एक आखिरी मौका दे रहा हूं,
उसे खामोशी से यहां से जाने दो, वरना उसकी लाश भी उसके दोस्त सूरज के पास मिलेगी मुस्कुराती हुई। ये सुनकर मीरा की आंखों में खौफ से ज्यादा गुस्सा था। उसके हाथ तो बंधे हुए थे, मगर तभी अपने पैरों को लकड़ी के फ्लोर पर मीरा ने पीटना शुरू कर दिया। घर पुराना था और आवाज बड़ी आसानी से गूंजने लगी। कबीर के कानों में जैसे ही वो आवाज पड़ी, उसकी नजर ऊपर के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची, उस दरवाजे तक जहां मीरा थी। रणवीर ने मीरा को एक कोने में फेंका और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं कबीर अब धीमे कदमों से पूरी सावधानी के साथ ऊपर की तरफ जाने लगा था। आगे बढ़ते हुए वो हर कमरे के दरवाजे की तरफ गौर से देख रहा था। आवाज वहीं कहीं से आई थी। खामोशी में वो बस आगे बढ़े जा रहा था कि तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज अपने पीछे से आई। वो समझ चुका था, वो एक झटके में पलटा और इसके पहले कि रणवीर कबीर पर गोली चला पाता, कबीर ने उस कुदाल को रणवीर के हाथों पर मार दिया, जिसकी वजह से वो बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी। ये देखकर रणवीर का गुस्सा और भी बढ़ गया और कबीर के पास अब दूसरा वार करने का मौका नहीं था। मगर फिर भी उसने वार करने के लिए कुदाल को घुमाया, मगर रणवीर ने एक झटके में उस कुदाल को पकड़ लिया। रणवीर शारीरिक तौर पर कबीर से काफी ज्यादा बड़ा था और ताकतवर भी था। उसने बस कबीर को पकड़ा और ऊपर की मंजिल से नीचे फेंक दिया। कबीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। धुंधली हुई आंखों से वो देख रहा था कि रणवीर मीरा को लेकर अब छत पर जा रहा था। इससे पहले कभी भी कबीर ने खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। रणवीर की वो जीत की हंसी कबीर को और भी ज्यादा मजबूर बना रही थी। छत की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले रणवीर ने कहा, मौत मुबारक हो, मैंने कहा था ना, सीधे शमशान भेज दूंगा। इतना सुनकर कबीर की आंखें बंद होने लगी, मगर एक आवाज थी, मीरा की आवाज, जो उसके कानों पर बार बार पड़ रही थी। वहीं रणवीर मीरा को घसीटते हुए छत पर ले आया था। वहां आकर रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वाह, शहर में इतनी खुली हवा कहाँ मिलती है। देखो, एक और रीजन मिल गया तुम्हें यहाँ सुकून से मरने का। ये सुनकर मीरा बस असहाय सी खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार कबीर का चेहरा आ रहा था। बात को आगे बढ़ाते हुए रणवीर ने कहा, ये जगह स्पेशल पता है क्यों है? हाँ, क्योंकि यहीं से मैंने अपनी पिछली बीवी को इस जीवन काल चक्र से आजाद किया था। इन शॉर्ट, यहीं से फेंका था उसे। बेचारी का भेजा तक बाहर आ गया था, खून भी मुझे ही साफ करना पड़ा। बेचारी, उसका इतना बोलना हुआ ही था कि तभी पीछे से हुई एक आहट ने रणवीर की मुस्कान गायब कर दी। ये और कोई नहीं बल्कि कबीर ही था। उसे यहां देखकर रणवीर ने मीरा की गर्दन पकड़ ली और कहा, अगर तुम आगे बढ़े तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। कि तभी रणवीर ने देखा कि कबीर के हाथों में पिस्तौल थी। उसे देखकर रणवीर हंसने लगा। अब बस खामोशी थी। रणवीर मीरा को लेकर अब छत के नीचे जाने वाले दरवाजे तक आ गया था और कबीर उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। रणवीर ने कहा, जा रहा हूं मैं तेरी बीवी को लेकर। उसका इतना कहना हुआ ही था कि तभी पीछे से किसी ने
एक धारदार चीज रणवीर की कमर में उतार दी। हर्ष के मारे रणवीर की एक पल को सांस रुक गई और उसने मीरा को छोड़ दिया। मीरा भागते हुए कबीर के सीने से लग गई। रणवीर ने पलट कर देखा तो उसका शरीर हैरानी से कांप उठा। उसने देखा कि पीछे उसकी बेटी पूजा खड़ी थी, जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू था। रणवीर कुछ कह पाता उसके पहले ही उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गया। कबीर ने मीरा से कहा, मीरा पुलिस को कॉल करो और कहो कि हमारे घर में एक आदमी घुस आया है। मीरा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। वहीं कबीर और पूजा रणवीर पर नजर रखे रहे थे। मीरा ने फोन उठाते ही कहा, हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बंगला नंबर 501 से बोल रही हूँ। एक आदमी ने हमारे घर में घुसकर हमें मारने की कोशिश की और हमने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार दिया। ये सुनकर रणवीर की आंखों में पहली बार वो खौफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से चीखा, ये घर मेरा है। वो आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही कबीर ने बंदूक की सारी गोलियां रणवीर के सीने में उतार दी और अचानक सब खामोश हो गया। रणवीर मर चुका था। पूजा की आंखों में अपनी माँ के बदले के आंसू थे। वही मीरा नम आंखों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने गलती के भाव से कहा, मीरा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी और मेरा यकीन करो मेरे और तानिया के बीच। वो आगे बोल पाता उसके पहले ही मीरा कबीर के सीने से लग गई और बोली, मुझे पता है ये सब रणवीर ने किया था, पर अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता कबीर, कोई नहीं। कबीर ने मीरा को कस के पकड़ लिया, उसे कभी ना छोड़ने के लिए। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट Season 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड FM इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड FM, बजाते रहो।